चुके हैं ओगड़नाथ। ओगड़नाथ ये ओगड़नाथ मंदिर है जो आपको सामने दिख रहा है। अब ये अंदर का नज़ारा है, ये कृष्ण मंदिर है, ये शिव भोलेनाथ का मंदिर है, और ये जितना भी आपको नज़ारा दिख रहा है ये सामने मंदिर का प्रांगण है, उसका पूरा नज़ारा दिख रहा है। हम जन्माष्टमी पे आए हुए हैं। ये सामने आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिख रही है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, 1884 में इसकी स्थापना की गई थी और 1847 की क्रांति भी यहाँ से शुरू गई थी, जो मेरठ की क्रांति कही जाती है। इस मंदिर को काली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर श्री भोलेनाथ की ही मंदिर नहीं है बल्कि राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, जो कि हम जन्माष्टमी पे आए थे, और ये माता दुर्गा का मंदिर भी यहीं पे है। हर समय यहाँ पे भक्ति भाव का माहौल बना रहता है। शिवरात्रि के समय यहाँ पे कांवरियों का बहुत बड़ा मेला उमड़ा रहता है और काफ़ी भक्त हरिद्वार से यहाँ जल ला के चढ़ाते हैं, और नवरात्रि के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी भक्त आते हैं। और जैसे कि अभी जन्माष्टमी पे हम आए हुए हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, आप भी आओगे तो यहाँ आपको तीनों समय कभी भी आप आ जाइए, किसी भी त्यौहार पर आ जाइए, आपको यहाँ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ कितनी बार आए हैं साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी अभी ओगड़नाथ को पूरा आपको घुमाते हैं, बताते हैं कहाँ किस तरह का मज़ा है, हमने किया था और कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको कैमरे में काफ़ी लोग दिख रहे होंगे जो यहाँ पे फ़ोटो रील्स बना रहे हैं। ये देखिए बहुत ही भव्य नज़ारा शिव मंदिर के पास में ही आपको देखने को मिल रहा है। ये मेन द्वार है जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो साथियों ज़रूर जाके वीडियो ज़रूर देख लेना इसी चैनल पे। और बाकी अभी अंदर लेके चलते हैं आपको। ये मेन गेट है जहाँ पे हम शिवरात्रि के टाइम जल चढ़ाने जाते हैं। यहाँ से आप लोटे में जल लेके जल चढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोटे रखे हुए हैं। जितने भक्त आते हैं सब भी अगर एक एक लोटा उठाएंगे तो भी काफ़ी लोटे यहाँ पे रखे हुए हैं। और मंदिर के अंदर सबसे पहले दुर्गा माता मंदिर आपको मिलता है, जो शिव मंदिर है उसी के चारों ओर में अभी आपको घुमा रहा हूँ। आपको कैसे लगे हैं कमेंट में जरूर बताना। जैसे समय बीतता जा रहा है और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे भक्तों की आती जा रही है। अभी इस मंदिर को पूरा घुमाने के बाद यहाँ जो बाहर मेला लग रहा है मेले में आपको लेके चलेंगे, क्योंकि मेला भी काफ़ी सुंदर यहाँ पे सजा हुआ है और बहुत ही लोग मेले में भी इंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा मंदिर के प्रांगण में देखिए भीड़ कितनी ज़बरदस्त हो रही है। अब तो भी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। ये जो आप घंटा देख रहे हैं माता दुर्गा के सामने ही घंटा है, शिव मंदिर के बराबर में ही। और ये मेरा दोस्त भी वीडियो बना रहा है, ये रहा सामने, वो काफ़ी लोगों से बात भी कर रहा है। ये रही अंदर से मूर्ति शिव मंदिर के अंदर जो भोलेनाथ की रखी हुई है। अब हम चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर की ओर। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, जब हम आए थे तो इतनी बड़ी लाइन नहीं थी। और मंदिर के अंदर भी देखिए पैर रखने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल खचा खच एकदम भरा हुआ है पूरा मंदिर। वो काफ़ी भक्त अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो हम भी भीड़ से होते हुए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। सामने देखिए आपको मूर्ति दिख रही होगी राधा कृष्ण की, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा। पूरा ये एकदम भरा हुआ है, चलते हैं और करीब से दिखाते हैं। और ये ही रहा पीछे से बिल्कुल नज़ारा, अभी आप पास चलते हैं। ये रही श्री राधा कृष्ण की मूर्ति। इतना ज़्यादा भीड़ है जन्माष्टमी पे, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मेरठ के जितने भी गांव हैं आसपास से सभी लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी मेरठ में रिश्तेदार रहते हैं कुछ लोग वहाँ के ठहर जाते हैं और पूरी रात मंदिर का नज़ारा देख के तब वे जाते हैं। तो आप यहाँ कितनी बार आए मंदिर में साथियों ज़रूर बताना। और अब मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं, मंदिर के बाहर से भी आपको दिखाते हैं क्योंकि यहीं पे ही प्रसाद आपको मिल रहा है। बच्चों को भी काफ़ी इनाम दिए जा रहे हैं प्रसाद के तौर पे, किसी को बांसुरी दी जा रही है, एक टोफी बोल दी जा रही है। और ये रहा वो नज़ारा बाहर से, यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों के लिए भी यहाँ काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा आएँ। जो भी राधा कृष्ण बन के आए हुए हैं उनके साथ साथ सभी बच्चों को ये दिया जा रहा है। ये पूरा राधा कृष्ण मंदिर है, अब चलते हैं बिल्कुल बाहर। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों को दिया जा रहा है प्रसाद, दोनों ओर यहाँ आपको प्रसाद मिल रहा है, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। ऐसा नज़ारा यहाँ जन्माष्टमी पे आपको हर बार देखने को मिलता है। अभी हम बाहर की ओर चलते हैं मंदिर से,
बाहर जाके अभी आपको मेला भी दिखाना है, तो वीडियो से बने रहिए। और वीडियो अच्छा आपको अगर लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रहा पूरा मंदिर, अब चलते हैं बाहर। अभी दोस्त वीडियो बना रहा है, जैसे वो वीडियो बना लेता है तो हम दोनों एकदम बाहर जाएंगे और फिर बाहर के नज़ारे आपको दिखाएंगे। जब हम आके लाइन में लगे थे उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जैसे आपको दिख रहा होगा हम डायरेक्ट अंदर लाइन में लगे और सीधा मंदिर में पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही अब मैं बाहर आया, बाहर आके देखे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये वही जगह है जहां से मैं अंदर एंटर हुआ था। अभी आप भी आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ तक ये लाइन लगी हुई है। अभी तो देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी तक लगी न रहा कि लाइन पास में हो। जितना दूर मैं जाता जा रहा हूँ उतनी दूर तक ही लाइन लग रही है। मेन गेट तक मैं चौपले के पास आ गया, फिर भी देखिए कितनी लाइन लगी है। भक्त आते जा रहे हैं, जैसे रात होती जा रही है। वो जो सामने दिख रहा है वहाँ से मैं आया था स्टार्टिंग से और यहाँ लास्ट हो गया लाइन का। मंदिर के बाद चलते हैं यहाँ की मार्केट, आपको घुमाते हैं। अब मंदिर से हम मेले की ओर चल दिए हैं, पूरा मेला भरा हुआ है, पूरा बाजार आपको दिखाएंगे जहाँ तक भी मेला लग रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओकरनाथ का मार्केट है, जो पूरा बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। तो अब तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है पहले से। चलते हैं और भी, अभी आपको मार्केट जो रह रहा है उसे घुमाते हैं। झूले भी हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे, उसे भी अभी आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं और आगे। मेले के अंदर काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जिसे जो भी पसंद आ रहा है वह खरीद रहे हैं। आना जाना तो लोगों का लगा हुआ ही है और बराबर में ही आपको झूले दिखने शुरू हो गए होंगे। मेले में घूमने में भी इतना ही मज़ा आ रहा है जितना मज़ा मंदिर के अंदर आ रहा था। ये रहे झूले बच्चों के, जहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वो काफ़ी झूले हैं बच्चों के, जैसे कि ये सामने ड्रैगन झूला है बच्चों का छोटा सा, और जिससे बराबर में ही बड़े झूले हैं, कार झूला है जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। बाकी झूले भी हैं यहाँ। मार्केट तो पूरा सजा हुआ है एकदम लाइट द्वारा। झूलों के बाद फिर यहाँ खाने की मार्केट शुरू हो गई है। फास्ट फूड में आप कुछ भी खा सकते हैं, समोसे टिक्की जो भी आपका मन करे सब कुछ यहाँ आपको मिल जाता है। हम भी जाके यहाँ पे कुछ खा पी के घर को निकलेंगे। यह सीन मैंने बिल्कुल ब्राइटनेस को लो करके दर्शाया है। साथ ही ये तो पूरा मेला जो कि कवर हो चुका है। ओकरनाथ मंदिर पे फाउट पोस्ट के पास ही मैं अब समय खड़ा हूँ, जो पीछे आपको दिख रहा होगा फाउट पोस्ट। यहाँ पे पूरा कैंट एरिया है ये ओकरनाथ का, तो फोर्ट्स भी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। काफ़ी फेमस मंदिर है मेरठ का। तो आप यहाँ कितनी बार आए हैं वह कमेंट में आप जरूर बताना। काफ़ी महिलाएँ भी निशाना लगा रही हैं सामने। आपने कितनी जगह मेलों में ये निशाना लगाया है कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा दोस्त भी वीडियो कंप्लीट कर रहा है, हम अब कंप्लीट करके वीडियो घर को निकलेंगे। साथ ये था ओकरनाथ का मार्केट, जो मेला लग रहा था जन्माष्टमी पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है जन्माष्टमी पे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे कहीं और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब से पहले जो वीडियो मैंने डाला है अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। मिलेंगे तब तक के लिए, टाटा गुड बाय।